3,000 नहीं, 4,000 नहीं, 4,500 नहीं, 5,000 नहीं, 5,500 नहीं, 6,000। तो दोस्तों यहाँ जो बोली चल रही थी वो किसी पैसों की बोली नहीं थी, वो थी यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड सैमसंग M30S की बैटरी कैपेसिटी की। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़माना कैसा बदल रहा है। पहले कभी मैं याद है मुझे कि मैं 2000 mAh बैटरी से काम चलाता था, उसके बाद 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 आ गया। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने मोबाइल से अपने पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। क्या से क्या हो? अच्छा आइडिया, मोबाइल खरीदेंगे और उसे पावर बैंक जैसे यूज करेंगे, पावर बैंक को चार्ज करेंगे। तो क्यों कंपनी ने यहाँ पर 6,000 mAh की बैटरी दी? क्या कंपनी चाहती है कि हम दिन भर गेम खेलते रहें, या कंपनी चाहती है हम दिन भर फोन से हटे ही ना, या कंपनी चाहती है कि हम बिल्कुल चार्ज के लिए बिल्कुल भी थोड़ा उठ के ना जाएं? अगर यही सब कंपनी के मन में चल रहा है तो ध्यान से देखिए इस वारदात। तो देवी और सज्जनों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, लेके आए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग प्लस क्विक रिव्यू करने वाले अपने स्टाइल में इस सैमसंग गैलेक्सी M30S की। तो कैसा है इसका फर्स्ट इंप्रेशन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसे अभी एक दिन हो गया यूज करते हुए, तो मैं आपको जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की अभी एक दिन में वो चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो वहां पर भी कनेक्टेड हो जाइए, वहां पर ऐसी वारदातें होती रहती है। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आपके फोन में कितनी एमएच की बैटरी है और कौन सा फोन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देख लेते हैं हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूंगा इस फोन के बारे में। सो गाइस यहाँ पर बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग आपको कंपनी की तरफ से कुछ इस तरह की मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पर M30 ऊपर में S लिखा हुआ है एंड मोबाइल का जो है यहाँ पर इमेज आपको देखने को मिल जाएगा, सैमसंग की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पर सील में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन सिम कार्ड ओनली लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर इंडियन सिम कार्ड ही यहां पर एक्सेप्ट करेगा। पीछे साइड में कुछ स्पेक्स लिखी हुई है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज स्पेसिफिकेशन पढ़नी होती तो आप नेट में ही पढ़ लेते। सो यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किए इस फोन में। एंड यहाँ पर हम जल्दी से खोल लेते हैं इस डब्बे को। सो यहाँ पर डब्बा खुल चुका है, डब्बे के अंदर एक और डब्बा है। सो डब्बा ही डब्बा है एंड ये मिल जाता है। इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। फ्रंट में ही आपको यहाँ पर मोबाइल देखने को मिलता है, उसके नीचे डेटा केबल, देन चार्जर। सो बॉक्स के अंदर से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे को लगा था इसके अंदर केस होगा, लेकिन इसके अंदर तो खाली पेपर वर्क है, सिम इजेक्टर टूल। सो यहाँ पर जो है आपको केस वगैरह कुछ भी इसके साथ देखने को नहीं मिलता है। टाइप सी केबल आपको देखने को मिलती है एंड यहाँ पर चार्जर मिल जाता है। सो यहाँ पर एंड बात करें यहाँ पर चार्जर के आउटपुट करंट की, तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट एट 1.67 एम्पेयर देखने को मिलता है और 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर। सो यहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है इस डिवाइस के साथ। एंड इस डिवाइस का जो मेन पॉइंट है वो है इसकी बैटरी, जो कि है 6000 mAh की बैटरी। सो गाइस अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने फ़ोन की जगह इन्वर्टर लेके घूमेंगे हाथ में। आप देख रहे हैं पहले 4,000, 3,000, 2,000 एंड 5,000, अब यहाँ पर 6,000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल रही है। सो अभी मैं कर देता हूँ फ़ोन को बूट। सो गाइस यहाँ पर बात करें डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर 6.4 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो आपको 91% से ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इवन आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है फ्रंट साइड में। यहाँ पर हालांकि बात करें प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला ग्लास वगैरह प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी कंपनी ने यहाँ पर बताया नहीं है। सो हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि जो टच पैनल है वो काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छी क्वालिटी का ही लग रहा है, बट यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है कि गोरिल्ला ग्लास है या कोई और ग्लास है। सो इस चीज़ को हम रहस्य ही रहने देंगे तो ही अच्छी बात है। पर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट एंड काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ फुल ब्राइटनेस एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, दिखने में काफ़ी अच्छी है, कलर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको इस टाइप के कुछ एम्बियंट डिस्प्ले के कुछ स्क्रीन सेवर्स वगैरह, क्लॉक्स वगैरह के फॉन्ट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल डिस्प्ले के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कमाल डिवाइस है। एंड आपको यहाँ पर ऊपर साइड में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर बॉडी की, तो ये जो मैंने कलर है ये ओपाल ब्लैक कलर मैंने मंगाया है। एंड आपको यहाँ पर साइड में कुछ नियॉन टाइप का थोड़ा सा
एंड यहाँ पर ब्लैक का शेड देखने को मिलता है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बॉडी यहाँ पर मेटेलिक नहीं है, आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। बैक साइड में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड यहाँ पर इवन आपके सामने डेप्थ कैमरा भी है जो 5 मेगापिक्सल का है। एंड इवन यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। सो ओवरऑल दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है डिवाइस, जब आप इसे अपने हैंड में होल्ड करेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी। एंड काफ़ी लाइट वेट है, 190 ग्राम्स का इसका। एंड बात करें यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स बटन प्लस पावर बटन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है माइक्रो एसडी कार्ड के लिए। एंड यहाँ पर जो मैंने वेरिएंट मंगाया ये है 4GB वेरिएंट विद 64GB ऑफ स्टोरेज। इवन आप यहाँ पर अगर चाहें तो 6GB रैम वाला वेरिएंट भी मंगा सकते हैं। एंड बात करें नीचे साइड में, तो आपको यहाँ पर हेडफोन जैक प्लस यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर वेंट्स एंड माइक्रोफोन देखने को मिलता है। ऊपर में आपको यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन का एक और माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। सो नाउ यहाँ पर बात करें सैमसंग के वन UI के बारे में, तो यहाँ पर जब मैंने इसे लोड किया था तो यहाँ पर कुछ ब्लोटवेयर थे जिसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। स्टिल आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एप्स वगैरह देखने को मिल जाती है एंड कुछ यहाँ पर सैमसंग के अननेसेसरी एप्स भी आपको देखने को मिलते हैं एंड उन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें इसके UI की, तो काफ़ी अच्छा खासा UI है यहाँ पर। पहले जो था सैमसंग, अपने फ़ोन जो है उनको जाना जाता था कि बहुत ज़्यादा हैंग होते थे, बट यहाँ पर वन UI के साथ इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर फास्ट स्पीड आपको देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ पर लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें UI की, तो काफ़ी अच्छा खासा UI आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पर मैं अभी चेक करने वाला हूँ इसका फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक। सो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक। सो मैं जैसे ही यहाँ पर टच करता हूँ ये अनलॉक हो जाता है। एंड यहाँ टच एंड यहाँ अनलॉक, थोड़ा सा मतलब एक सेकंड का टाइम लेता है, बट यहाँ पर जल्दी से इसे अनलॉक कर देता है। उतना फास्ट नहीं जितना हमारा रेडमी नोट 7 प्रो है, बट हालांकि इसे ये ऑलमोस्ट एक सेकंड ले रहा है अनलॉक करने में, ओवरऑल ठीक है। सो अभी हम करते हैं फेस से इसे अनलॉक। सो यहाँ पर मेरे सारे हाथ की उंगलियाँ आगे हैं एंड नाउ अभी मैं फेस करता हूँ एंड यहाँ पर ये हो जाता है अनलॉक। एंड आप यहाँ पर देखेंगे एक एनिमेशन भी आपके सामने शो होता है जो कि दिखने में काफ़ी कमाल लगता है। सो यहाँ पर ये फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, एक सेकंड ले रहा है, दोनों चीज़ों में एक सेकंड ले रहा है। कैमरा की, तो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। आपको सैमसंग का यहाँ पर कैमरा का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें फोटो में आपको यहाँ पर नॉर्मल फोटो एंड अल्ट्रा वाइड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद हम बात करें यहाँ पर वीडियो की, तो वीडियो में आपको यहाँ पर अप टू 4K रिकॉर्डिंग तक देखने को मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ्रंट में आपको जो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है फुल HD देखने को मिल जाता है। एंड बैक साइड में बात करें तो रेजोल्यूशन आपको अल्ट्रा HD 3840x2160 तक देखने को मिल जाता है। अभी ये डिसेबल इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर लेंस को अल्ट्रा वाइड किया है, सो अभी वो इनेबल हो गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सुपर स्लो मोशन देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से बात करें यहाँ पर सेल्फी की, तो सेल्फी में अभी एक ले लेता हूँ। सो फोटो हो चुकी है क्लिक एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों आपको वो शार्पनेस वगैरह देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूछें उतनी शार्प नहीं आई है एंड कलर का टोन भी ये जो है थोड़ा सा चेंज कर देता है, बहुत मतलब स्मूथ बना देता है। करिए आपको थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं इसमें आपका इतना एरिया कवर है एंड इसको क्लिक करेंगे तो इतना हो जाएगा। सो इसमें भी एक खींच के दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कैसा इसका कैमरा परफॉर्म करता है। चलते हैं सेटिंग्स की तरफ एंड देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले अबाउट फॉर्मेशन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वन UI कोर का 1.5 वर्जन देखने को मिलता है एंड एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर पाई का देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है 1 अगस्त 2019 का। आई होप सो कि यहाँ पर कोई नया अपडेट आया होगा। अपडेट देखने को मिलता है जो कि कुछ 106.72 MB का एंड यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल जो है ये आपका न्यू सिक्योरिटी पैच लेवल पे इसको बढ़ा देगा एंड कुछ स्टेबिलिटी वगैरह है डिवाइस की वो ठीक कर। बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर जो फ्री स्टोरेज है वो है 49.7 GB आउट ऑफ 64 GB। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15 GB जो है ले चुका है। आई डोंट नो इतना बड़ा कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन लोगों ने इंस्टॉल किया इसमें। सो यहाँ पर बात करें साउंड की, तो साउंड आपको कुछ इतनी देखने को मिल जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक ठाक है, मतलब अगर आप नॉर्मली क्लोज हैं थोड़ा फ़ोन के तो आपको अच्छे से सुनाई देगी फोन फुल वॉल्यूम में।
एंड यहाँ पर जो डॉल्बी एटमॉस है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा जब आपने ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह लगाए होंगे। सो गाइस यहाँ पर सेटिंग्स पे चलते हैं एंड यहाँ पर सेटिंग्स में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको यहाँ पर जो है डार्क मोड देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जैसे ही डिस्प्ले में जाएंगे आपको यहाँ पर नाइट मोड लिखा होगा, आप जैसे उसे इनेबल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लग जाता है। ऊपर से एमोलेड स्क्रीन है तो ये दिखने में और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड आपकी बैटरी वगैरह भी सेव होगी। बैटरी की तो हम बात ही क्या करें, यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब इतनी बैटरी है कि आप अपना पावर बैंक भी इससे चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा खासा फ़ोन है एंड यहाँ पर अभी मैं कुछ और दिन इसे टेस्ट करूँगा, गेमिंग वगैरह टेस्ट करूँगा, तो उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट दे पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कौन कौन से टेस्ट करूँ इस फ़ोन के साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने फ़ोन से अपने पावर बैंक को चार्ज करेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना यार, बिकॉज आप सभी के लाइक से मेरा मोटिवेशन है। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे एंड मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धाजू फाड़ू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।